ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम जो ये लेते हैं इसके लिए हम इसको यहाँ पर लेट, ठीक है, लेट मान लेते हैं। यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं फ्लक्स, ये आपको दिख रहा होगा फ्लक्स, फ्लक्स लिया है फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल दैट विल बी इज इन वेबर। ये हम लोग फ्लक्स जो लेते हैं वो वेबर में, पी दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एन रोटर स्पीड इन आरपीएम, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, मैकेनिकल में होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड में। नाउ हेंस फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन, ओके, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन दैट इज पी फाइव। नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे तो एन बाय सिक्सटी सेकेंड में। नाउ फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर पर सेकेंड, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, ओके, तो वन कंडक्टर के लिए हमने पी फाइव लिखा था और वन रिवॉल्यूशन के लिए हमने एन बाय सिक्सटी। नाउ आपका वेबर पर सेकेंड में। नाउ नेक्स्ट विल बी एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, ओके, एवरेज ईएमएफ निकालते हैं जब हम एक कंडक्टर में तो हम एन पी फाइव बाय सिक्सटी, ठीक है, इससे फाइंड आउट करेंगे। नाउ हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जेड कंडक्टर, मतलब कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स में जब हमें निकालना है ईएमएफ इंड्यूस करना है तो एन पी फाइव जेड बाय सिक्सटी ए, ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू के ए फाइव ओमेगा एम। नाउ वेयर के ए, व्हाट इज के ए, के ए दैट इज इक्वल टू पी जेड बाय टू पाई ए, जेड बाय ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, ओके। अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स की बात आती है तो हमें सबसे पहले एक ही होता है कि इनकेस हमारे पास क्या होता है, वेव, वेव वाइंडिंग और लैब वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में हम लोग क्या लेंगे और लैब वाइंडिंग में क्या लेंगे, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। जब हमारे पास क्या होता है, वेव, वेव वाइंडिंग, ठीक है, तो वेव वाइंडिंग में जब हम लेंगे तो वेव वाइंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए जो होगा वो इक्वल होगा टू के, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके टू होंगे वेव वाइंडिंग में। नाउ जब हमारे पास लैप वाइंडिंग की बात करते हैं हम लोग, लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स के, तो ए इक्वल्स टू पी के, ठीक है, ये हमारे पास लैप वाइंडिंग में हो जाएगा। और वेव वाइंडिंग में ए इक्वल्स टू टू के, मतलब पैरेलल पाथ टू के, और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ आपके पोल के इक्वल होंगे।